दो खड़ी सब्र से काम लो साथियों, दो खड़ी सब्र से काम लो साथियों, आफत जुल्म तो दूर टल जाए से टकरा के तूफान का रुख पलट जाएगा, रुत बदल जाएगी दो घड़ी सब्र से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजहब ने जहां इंसान को बुदोबाश और तमद्दुन के रास्ते बताए, वहां अपने खालिक से मिलने का सलीका भी सिखाया। दुनिया के तमाम मजाहिब किसी न किसी रंग में अपने पैदा करने वाले की इबादत करते हैं। मजहब इस्लाम ने इबादत इलाही को एक जामे और मुकम्मल शक्ल देकर इसे मस्जिद में अदा करने का हुक्म दिया और इस इज्तमाई इबादत को एक अफजल इबादत करार दिया। आज के पुराशोब दौर में इंसान मजहब में ऐसी शिद्दत पसंदी पर उतर आया कि वो इन्हीं मसाजिद और इबादत गाहों में बम धमाकों और कत्लो गारत करी से भी गुरेज नहीं करता। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां बदकिस्मती से ऐसे वाकयात रोजाना का मामूल बन चुके हैं। इस पर मुस्तजाद ये कि इन वाकयात को इस्लाम के नाम पर खिदमत का नाम दिया जाता है। आखिर इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान में एक ऐसा तबका भी आबाद है जो फिरकावारियत की ऐसी भयानक और घटिया सोच का मालिक है, जो खानाए खुदा पर लिखे खुदा और उसके रसूल के नाम तक को मिटाने को खिदमत इस्लाम करार देता है। जमात अहमदिया वो मजलूम जमात है जिसे अपने ही वतन पाकिस्तान में मुल्क की कौमी असम्बली ने 1974 में गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया, मगर इस जमात के अफराद पर मजालम की दास्तान में शिद्दत पाकिस्तान के मार्ज वजूद में आने के बाद ही शुरू हो गई। और ये एक तुरफा तमाशा है कि इन पर जुल्म करने वाले वो मुल्ला हैं जो पाकिस्तान की पे बनाने के भी मुखालिफ थे, और यही मुल्ला कायदे आजम को काफर आजम करार देते थे। 1984 में एक डिक्टेटर ने जमात अहमदिया के खिलाफ बदनाम जमाना नहायत सफाकाना ऑर्डिनेंस जारी करके अपनी सियासी दुकान चमकाने की मजमूम कोशिश की। इसी डिक्टेटर के सियाह दौर में जमात अहमदिया की मसाजिद और घरों पर से कलिमा तैयबा और कुरान शरीफ की आयात को मिटाने की शर्मनाक मुहिम का आगाज हुआ। यही वो दिन थे जब इस मजलूम जमात के कलिमा तैयबा की हिफाजत करते हुए 764 अफराद पर मुकदमात दर्ज कर दिए गए और इन अफराद पर शदीद जिस्मानी तशद्दुद भी किया गया। जमहूरियत का नारा लगाने वाली पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत में भी जमात अहमदिया के अफराद की आए दिन टारगेट किलिंग की जा रही है। इन मासूम और बेगुनाह अहमदी अफराद का जुर्म सिर्फ इतना है कि वो कलिमा तैयबा पर ईमान रखते हुए अपने आप को मुसलमान कहते हैं। तो फिर तुसी अहम दीजिए, इन्ना ही साडा जुर्म है फिर अल्लाह ते मुहम्मद दा नाम बा बरकत और ते फिर उत्ते घर दे लाया। कलिमा तैयबा मिटाने की शर्मनाक मुहिम पाकिस्तान में आज तक जारी है। इसकी ताजा मिसाल मोरखा 10 अगस्त सन 2009 पाकिस्तान के सबसे बड़े सनती शहर फैसलाबाद के नवाही गांव लाठियां वाले में उस वक्त सामने आई जब अचानक मुल्क की गवर्नमेंट के हुक्म पर इंतजामिया के सैकड़ों अहलकारों ने इस गांव को घेरे में ले लिया
और अपने हाथों से इस गांव में 1952 से मौजूद जमात अहमदिया की मस्जिद की पेशानी पर लिखे कलिमा तैयबा पर सीमेंट लगा दिया। 1952 दे उदों दा कलमा लिखा। इस मजमूम हरकत करने वालों की वर्दी पर नो फियर के अल्फाज नुमाया दिखाई दे रहे थे। कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अहमदी की पहचान है। हमारी दीवारों और बोर्डों से तो ये कलमा मिटाया जा सकता है, लेकिन हमारे दिलों से ये कभी नहीं मिटाया जा सकता। आजकल भी इस हवाले से पाकिस्तान में अहमदियों पर बहुत सख्तियां हो रही हैं। दीवारों से भी कलमा लिखा हुआ है इसको खुर्चा जा रहा है, अगर सीमेंट से लिखा हुआ है तोड़ों से तोड़ा जा रहा है। फैसलाबाद के करीब एक गांव में लाठियां वाले में चंद दिन पहले ये सब कुछ किया गया, और पुलिस और इलीट फोर्स के 200-300 मुजाहिदीन ने एक कारनामा सर अंजाम दिया, जिनके पीठों पर लिखा हुआ था हम किसी से खौफ नहीं खाते। तुम बेशक दुनिया में किसी से खौफ नहीं खाते होगे, लेकिन वो खुदा ताला जब इंतकाम लेता है अपने प्यारों को तंग करने वालों से, तो फिर वो दुनिया और आखिरत में तबाह होकर बात कर देता है ऐसे लोगों को। इस शर्मनाक वाक्य का इख्तिताम इसी पर नहीं हुआ, बल्कि जुल्म यहां तक पहुंचा कि इसी गांव में मुकीम जमात अहमदिया के 32 अफराद पर तौहीन रसालत और तौहीन कुरान के मुकदमात दर्ज कर दिए गए। 92-93 तो लैके साढ़े खिलाफ कोई ना कोई शहादत, कोई ना कोई किताब, कोई लिटरेचर, ये बहुत तकसीम कर दे, लेकिन ये बड़े बड़े मनसूबे के प्लान के तहत यह काम होया। पहला साढ़े परचे कट के बंदे साढ़े पकौड़े करके ते फिर इन्होंने कलमे जड़े ने, नहीं तो हूं अल्लाह के फजल कलमे एन दी जाना देंदे नहीं लाते कलमे। जुल्म की इंतहा ये कि मजहबी इनाद की इस आग को लगाने और फैलाने वालों की पुश्त पनाही मुल्क की इंतजामिया करती है। मनसूबे के नाल जेड़ा काम है ना, ये नाजम नैब नाजम हाँ जी, ये एम पी आ जाते, ये एम एल ए आ जाते, ये जिला इंतजामिया जी पुलिस ने एडा रोल अदा ये किया। फिरका वारियत में मुखालिफत की ये आग जब खुदा के घरों की पेशानी से कलिमा तैयबा मिटाकर भी ठंडी नहीं होती तो वो लोगों के घरों का रुख करते हैं, और इन पर कंधा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह और या मुहम्मद के अल्फाज को निहायत सफाकी से तोड़ते हैं। साढ़े घर दे उत्ते माशाल्लाह या हय्यो या क्यूम लिखिया सी, तोड़े ने वो लगिया सी दूसरियां प्लेटां दियां ते थौड़िया छाणियां दे नाल ना काफी देर ला के पी वो तोड़े गए ने। ऐसे घर भी है ने विच, एक दो साल ही पहलों ना मकान लिया गया सी, चौरी मुनीर सादक ने गैर जमात वाले सुन्नत जमात को डॉक्टर मुस्तफा रंधावे को खरीदया सी, उत्ते माशाल्लाह या अल्लाह या मुहम्मद सी, वो भी इन्ना मटेर दिता। एक दो होर ने नौ मोबाइल मुंडे उन्हों का वालद अहले सुन्नत है हयात है, उन्होंने कलमा लिखिया सी तैयबा, वो भी इन्होंने तोड़ दिता। एक होर साडा नौ मोबाइल है उन्होंने विरासत च मिलया पी, उहदे वालद ने ही छत्या सी तमीर किया सी, ते विरासत च मुंडे नूं मिलया मुजम्मल हुसैन का मकान, उत्ते भी कलमा तैयबा सी, इन्होंने उत्ते भी सीमेंट वगैरह भी लाता है।